देश ने फिर देखी सन्यासी की ताकत। हरियाणा में योगी की आंधी में उड़ गए राहुल गांधी। योगी ने पलट दिया पूरा हरियाणा चुनाव, बंद कर दी राहुल की मोहब्बत की दुकान। योगी के शुरू होने से पहले ही बंद हो गई जलेबी की फैक्ट्री। हरियाणा में जहां जहां योगी वहां वहां कांग्रेस का हो गया सफाया। राहुल गांधी को सिखा दिया अकेले ही सबसे बड़ा सबक। जी, जो कोई नहीं कर सकता वो योगी कर सकते हैं। जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो योगी ने कर दिखाया। पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलने जा रहा है। सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे। कोई भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें दे रहा था, कोई 25 सीटें दे रहा था, कोई 30 बता रहा था, लेकिन किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन एक अकेले योगी थे जिनको पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया है वहां तो कांग्रेस का सफाया होगा ही, वहां तो बीजेपी को जीत मिलेगी ही, बल्कि पूरे हरियाणा में योगी योगी होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। योगी आदित्यनाथ का ये विश्वास रंग लाया और अचानक से पूरा चुनाव ही पलट गया। सुबह 9 बजे तक जो रुझान आ रहे थे वो सभी एग्जिट पोल की तरह कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन अचानक से 9 बजे के बाद जो रुझान पलटना शुरू हुआ उसने आखिर में भारतीय जनता पार्टी को जिताता हुआ बता दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बहुमत मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया वहां भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, प्रचंड जीत मिल रही है। एक तरीके से वहां कह सकते हैं कि कांग्रेस का सफाया हो गया है। योगी आदित्यनाथ के प्रचार का असर ये भी हुआ कि जहां जहां योगी ने प्रचार किया वहां के आसपास की सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं। और ऐन वक्त पर योगी ने बिल्कुल चुनाव से एक दिन पहले पूरा चुनाव पलटा है, क्योंकि चुनाव से एक दिन पहले तक ये माना जा रहा था कि फिजा जो है, हवा जो है, वो कांग्रेस की तरफ बह रही है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली है ये सभी बड़े बड़े राजनीतिक पंडित बता रहे थे, लेकिन अचानक से सीएम योगी ने ऐसा खेल खेला कि राहुल गांधी हवा में उड़ गए, पूरी कांग्रेस हवा में उड़ गई। कांग्रेस को यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार हमारे साथ ये हुआ क्या है। अब कांग्रेस कह रही है करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या, यहाँ तो हम जीत रहे थे, अचानक से योगी ने पूरा चुनाव ही पलट दिया। वाकई जो दम योगी आदित्यनाथ में है वो उनसे बेहतर किसी में नहीं है। इतने बड़े बड़े नेता आए, योगी का स्ट्राइक रेट सबसे बुलंद है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे कोई भी विधानसभा चुनाव हो, चाहे बंगाल में ले लीजिए, चाहे असम में ले लीजिए, दक्षिण में ले लीजिए। योगी जहां जहां जाते हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं वहां करिश्मा हो जाता है। अब जैसे कि हरियाणा में पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि इस बार कांग्रेस आएगी, क्योंकि हरियाणा का रिवाज यही रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने अकेले अपने दम पर पूरा चुनाव ही पलट दिया, पूरा इतिहास ही पलट दिया। पूरी दुनिया दंग है कि आखिरकार ये हो क्या गया है, कैसे भारतीय जनता पार्टी अचानक से अंदर खाने बहुमत हासिल कर लाई। ये सिर्फ और सिर्फ योगी मैजिक है जिसके अब मोदी भी मुरीद हैं। मोदी को भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी मानकर चल रहे थे कि इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ना जीत पाए, हरियाणा उसके हाथ से निकलने जा रहा है। इसी वजह से आपने देखा होगा चुनाव में बीजेपी उतने दमखम के साथ नहीं उतर रही थी जितने बाकी राज्यों में आमतौर पर उतरती है। लेकिन एक अकेले योगी थे जिन्होंने दम के साथ प्रचार किया। उनको अकेले पता था कि मैं जहां जहां प्रचार करूंगा वहां तो भारतीय जनता पार्टी की जीत 100% तय है, और यही असल में हुआ भी। योगी ने अकेले पूरा गेम पलट दिया। इसका मतलब ये है कि योगी सियासत के सबसे बड़े किंग मेकर हैं, बल्कि अब तो वो किंग मेकर भी नहीं, यानी योगी सियासत के सबसे बड़े किंग हैं, और इस किंग ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सुपर किंग बना दिया है, सियासत के मैदान का सुपर किंग।